ख्वाजा आसिफ के दो दो हाथ करने के बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल भी सामने आ गया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दो दो हाथ करने के बयान को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। इनका कहना था कि वजीर दिफा ने छोटी बात की है, इस किस्म की धमकियों पर हैरान हूँ कि क्या मयार हो गया है। जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सदर के बारे में ऐसा बयान दिया। क्या बिलावल भुट्टो को ऐसा बयान जेब देता है? सियासत में सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। हुकूमत के बयान अंदरूनी घबराहट के आईना दार है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान 26 नवम्बर को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वजीराबाद हमले की ऐसी FIR काटी गयी जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। इनका कहना था की जब तक तीनों नामजद शख्सियात अपने ओहदों पर मौजूद है, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहे। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, अगर इस हवा से हम डरकर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।